फोन में बात करेंगे, क्योंकि वो फादर का जस्ट स्टडी हो गए ना जी जी। तो जस्ट वो उसका चल रहा और 10 दिन तक बिजी है, तो 10 दिन के बाद वो बड़ा ये हो। 10 दिन एक महीने बाद लीजिए सर, एक महीने बाद ले लीजिए हाथ में, लेकिन सर आपके अलावा कोई नहीं करा पाएगा सर। वो बहुत लोग परेशान है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया सर। बहुत हालत खराब है सर, बहुत हालत खराब। या वेरी वेरी बैड सिचुएशन। हाँ सर प्लीज थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है। डेफिनेटली वी विल हेल्प जोशी जी, देयर इज नो डाउट। व्हेनेवर यू कॉल यू नो अबाउट माय मेंटालिटी, मेरा मेंटालिटी का जी जी। सो डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प डेफिनेटली, बिकॉज यू आर आल्सो रिक्वेस्टिंग। हमारा साइड से बहुत सहायता करेंगे, देयर इज नो डाउट। हां जी जी, डेफिनेटली वी विल डू दैट। हां सो 10 डेज तक मैं एक बार मैं पढ़ रहा क्या है वो जजमेंट का कंटेंट क्या है। एक्चुअली वो आदमी पूरा इस केस पूरा खराब किया। बिल्कुल हाँ जी जी बिल्कुल, रियली खराब किया ना उसने, खराब किया बिल्कुल है, कम्प्लीट खराब। क्यों? द रीजन वाई, सो अंटे कारण क्या है, जस्ट आई कैन टेल यू, दिस फेलो अननेसेसरली हरी 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 फाइल किया केसेस का। अरे असल एक्चुअली वो 60 डेज का वो स्टैट्यूटरी बेल आता कोई भी केस में, वो मनी सर्कुलेशन का, और अदरवाइज 90 डेज जा। ओनली 3-4 वो कानून है उसमें वो बेल का बार है, बेल को मंजूरी नहीं करके ना, क्या है वो नक्सलाइट केसेस है, यूएपी एक्ट है, वो एनडीपीएस एक्ट है, ड्रग्स एक्ट केसेस है, उसमें बार है, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट में बार भी नहीं है, उसको मनी सर्कुलेशन एक्ट को वो क्या है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेल मंजूरी के लिए। अननेसेसरली पूरा वकील, आई डोंट नो, मीडिएटर्स खराब किया, मीडिएटर्स का ही, मीडिएटर्स को थोड़ा सा सर थोड़ा लगेगा ऐसा, मीडिएटर्स को अपना जेब भरना था, मीडिएटर्स का अपना जो है उसका था कि हमें क्या करना सर। और यदि अगर उसी समय देख लिया होता ना सर, आज राधे श्याम बाहर होता सर, राधे श्याम को बेल होता। सुनो जो जोशी जी, मैं इतना बड़ा भरा केसेस है, क्या है पीडी एक्ट, इतना बड़ा केस है सर, नो डाउट। मैं तो सभी को बोला, मैंने अभी मेरे पास इतना फोन आता सर, कंटिन्यू सर उतना ही फोन आता जितना पहले आता था। मैंने यही कहा कि जितना वकील इन्होंने किया, आखिर इतना पीडीएफ हट गया, फिर अपने विष्णुवर्धन रेड्डी जी को क्यों नहीं बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप चंडीगढ़ देखिए, या आप फतेहाबाद देखिए, इधर उधर का वकील कर रहे हैं, छोटे छोटा वकील। तीन बेल्स भी यू नो फर्स्ट एक महीने में पूरा मंजूरी किया सर। यस सर बिल्कुल सर, मैं तो साथ ही था। एक्चुअली फर्स्ट केस वो हैदराबाद से, इतना बड़ा केस है, पूरा सीजर्स हैदराबाद पुलिस किया, पूरा अकाउंट्स हैदराबाद पुलिस फ्रीज किया। इतना बड़ा केस इधर भी है, तो कोर्ट में मैं कितना घंटे आर्गुमेंट किया आपको, पर्सनली देखिए विष्णुवर्धन रेड्डी क्या किया है सर, आपने बहुत मेहनत करी। जोशी जी पूरा लोग, आई नो पूरा जनता, बहुत कस्टमर्स, बहुत सर। मुझे आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं राधे श्याम का जो वकीलनामे पे उसका सिग्नेचर करके मैं ला के देता हूँ सर, प्लीज आप थोड़ा सा करेंगे सर, बड़े हेल्प सुप्रीम कोर्ट में। आई विल डेफिनेटली हेल्प, विल अपॉइंट द नाइस लॉयर्स, मैं भी वो रेगुलरली दिल्ली का आना, क्योंकि हम भी वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस है, बार बार मैं आ रहा हूँ, सो डेफिनेटली विल मीट देयर। ओके सो जस्ट वो 10 डेज छोड़ दो, बाद डेफिनेटली वी बोथ डेली बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, विष्णुवर्धन रेड्डी जी की अपडेट आपने सुनी ली है, और एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। विष्णुवर्धन रेड्डी जी ने जो पीडी एक्ट लगा हुआ था तेलंगाना से, वो ख़त्म करवाया, इतना बड़ा जो मैटर था उसको सॉल्व करवाया, उसके बाद उनको क्यों हटा दिया गया? ये प्रोसेस अगर आगे उनसे कंटिन्यू करवाई होती तो आज ये मैटर ख़त्म हो चुका होता, शायद लोगों का पैसा मिलना भी शुरू हो गया होता। तो आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।